टन टना अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ तस्वीन आसिफ एंड वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग एंड अनदर ब्यूटीफुल डे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करूँगी मैं, क्योंकि आशा की कंडी और वो बहुत बीमार थी। तो उसके साथ ऐसा हुआ कि पहले उसके निकली कान में दर्द, जब उसके कान में दर्द हुई ना, आहिस्ता आहिस्ता उसको एकदम वॉमिटिंग्स और सर दर्द और ये चीज़ें होना शुरू हो गई। फिर उसका इतना तेज़ बुखार हो गया उसको कि हमें उसको एमरजेंसी हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। फिर हॉस्पिटल में उसको ड्रिप लगी और अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आयशा बहुत ठीक है, आयशा सही है बिल्कुल। बस थोड़ा सा उसको फीवर है, वो भी वो जल्दी रिकवर कर जाएगी। गाइस आयशा हुई मदहोश बेहोश खामोश, कुछ भी नहीं है, कान में इतनी दर्द निकल आई है। मैं कोशिश करती हूँ कान की सफाई करने के लिए। जाओ अम्मी से, अम्मी से मैंने चावल लगाया, मैंने चावल इसको और माँ को मैंने पीन दी थी, तो मैंने कान में पीन मारी है। सुनो सुनो पहले सुनो, एक आशा इतने भी नहीं डरामे आपके, इतने भी नहीं डरामे, जितने डरामे गई। अम्मी अम्मी मेरे कान चेक करवाई, अम्मी मेरा कान चेक करवाई। ये तुमने कल पीने पर बैठे डंगरों की तरह, मैंने कान की सफाई का तो तुमको बर्बादी नहीं कहा था। मैंने कुछ भी नहीं किया था। कैमरा बंद कर। क्यों? मैं तुमने क्या, कैमरा बंद कर। तो फिर तो डॉक्टर के पास मैं गई थी, तो ये देखिए मेरे कान, ये वाला कान भी, आशा कहती मैं आप अपने डॉक्टर से वो क्या पता पूछा, ऐसे डॉक्टर खरीदा, ये वाला कान भी हाय, उसने मेडिसिन भी दिया खाने के लिए और ड्रॉप्स वगैरह है। वाओ तुम्हें चीज़ मिल गई, नहीं तुम खाओ मैंने खाती, ये तुम मुझे सिर्फ इसी चक्रों में कि कल की पड़ी हुई थी, पता नहीं क्या होगा, तो आधी आयशा भी खाए, अगर कुछ होगा तो आयशा को भी हो। तो कुछ नहीं हो आयशा को, मजे की बात, मैं डॉक्टर के पास गई, माँ मेरे साथ थी, उसने ना मेरे कान चेक किए, अभी मुझे दर्द हो गया, उसने मेरे कान चेक किए, चुप कर जा यार, उसने मेरे कान चेक किए और ना कह रहा है, कहता है कि ना कानों में ना स्वेलिंग हुई हुई है, और एक तो कान स्वेल है और ऊपर से ये कि ना अंदर जख्म भी हैं। तो क्या माजरा है, क्या किया तुमने? मैंने इसको क्या कहा, मैंने कहा मेरे कान में ना माँ ने पिन्ने मारी हैं और पिन्ने मार के कान को जख्मी कर दिया है। तो ना माँ मुझे घूरे डाल दी कि झूठ नहीं बोली, हालांकि ये कसूर मेरा, मेरे कान में गया था पानी और पानी जाने के बाद मैंने कान में मारे नाखून, नाखून मारने की वजह से अंदर जख्म हो गया और जख्म में दर्द होने की वजह से अंदर स्वेलिंग हो गई और कान की जो पर्दे हैं वो सूज गए हैं। उसने मुझे मेडिसिन दी है और उसने मुझे ड्रॉप्स भी दिए हैं, खाने वाली मेडिसिन भी दी है, कानों में डालने के लिए ड्रॉप्स भी दिए, और उसने मुझे कहा है कि कुछ दिन लगेंगे पर ये ठीक हो जाएगा, स्वेलिंग भी ख़त्म हो जाएगी। तो अल्लाह सब कुछ शफा दी, वैसे कान की दर्द बर्दाश्त नहीं होती और मैं सुबह से चुप छुपीती रहती हुई थी, चुप करके मुझे बोला जा रहा था, खाना भी नहीं खाया जा रहा था, बोला क्या करती डॉक्टर, कहती डॉक्टर कुछ देर तो चुप रहेगी ना, डॉक्टर कहता हाँ कुछ देर चुप रहेगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये हमारी आयशा जा रही है, ये बहुत बीमार है, अब दुआ करें, अगर ये मर गई ना तो उसका मोबाइल मैं ले लेना। गाइस ये देखो इसकी डेड बॉडी लेके आनी है इस रिक्शे पे, आ होते और की बहुत ही ज़्यादा मेरा हाल जो था वो बुरा हो गया था, सर में चक्कर आ गए, उल्टी हो रही थी मुझे, बुखार तेज़ हो रहा था, घर पे कोई नहीं था, सिस्टर ने फिर जल्दी से रिक्शा मंगवाया और उस पर लेके मुझे अस्पताल चली गई। एक तो मेरे सर में शदीद वाला दर्द था कि खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था और मैं डॉक्टर को बता रही थी मुझे ये वाला मसला है, और दूसरी साइड पर कुछ पेशेंट्स और जो नर्स थी वो आपस में अच्छी तरह लड़ी थी, आगे भी आप वो देखे क्या एक दूसरे को मारने पर तुली हुई थी और लड़ लड़ के और मुझसे खड़े नहीं हुआ जा रहा। तो मेरा तो
यहाँ पे मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, तो मैं बैठ गई थी क्योंकि जो नर्स थी वो मेरे लिए जो है ड्रिप लेने गई थी। आप लोग ये ना समझेगा कि मैं ड्रिप लगवाने से डरी हूँ या फिर सुई से डरती हूँ या इंजेक्शन से, मैं कभी नहीं डरती इन चीज़ों से। बस ये था, मेरे सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द था और बहुत तेज़ था, तो मैंने हेड डाउन कर लिया था थोड़ा ठीक हो जाऊँ। यहाँ पे मैं ड्रिप लगवा के लेट चुकी थी आराम करने के लिए और इंतज़ार में कि कब हम वेले होंगे, कब घर जाएंगे, और हमें लगे थे 3 से 4 घंटे घर जाने में। फाइनली हम इसको बाहर ले आए हैं। हाँ। तो यहाँ पे भी मेरे फ्रेंड्स मिल गए जिसकी वजह से ये बच गई और हम थोड़ा सा कामयाब हो पाए। हाँ। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आयशा इस दुनिया में नहीं रही, आयशा चल बसी है। वैसे तो मैं मजाक कर रही हूँ, आयशा सोई हुई है, बेचारी को इतना तेज़ बुखार था, इतना तेज़ बुखार था कि उसको ड्रिप लगी हुई है, उसको वॉमिटिंग भी हो रही थी और बहुत तेज़ बुखार है बेचारी को। अभी हम आपके फैंस को बता रहे थे कि आयशा इस दुनिया से चल बसी। देखिए आंखें खोल के तो तारियां मार के शाबाश कह के तो ओवर एक्टिंग करना शुरू हो गई है। नहीं, मुझे नींद आ रही, मैं रात की सोई नहीं हुई। ये देखें बेचारी को ड्रिप लगी हुई है, अब हम क्या करें। व्लॉग थोड़ा सा स्कूल हुआ तो सो रही हूँ, सो जा फिर हम बाद में मिलते हैं। ये रो क्यों रहे हो? आप जाने लगी है जन्नत में। लानी लूनी मुझे कोई नहीं आती। ला सर प्रैक्टिस ही सही। अच्छा का काला काला खून निकल रहा है। उतारो उतारो। ओए ना कर। कल नहीं लगवा लगे, अगर कल गए ना फिर नहीं लगवा लगे। लगाने लगी हो, तोड़ने लगी है। होली सुई बेच बेची है, सुई काट कौन करेंगे, देखो कौन सा है। पर्पल खून। ओए वो कॉटन लेकर आना, उसका खून मेरे बैग से टिश्यू पेपर लेकर आओ। की तो अब मैं दोबारा गई हूँ दवाई लेने, और पहले गई थी हॉस्पिटल, अब गई हूँ क्लिनिक, और क्लिनिक से जाके मैं मेडिसिन लेके आई हूँ, तो इंशाल्लाह मुझे लगता है फ़र्क पड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बीमार थी और अब मैं बहुत ही ज़्यादा सही हो गई हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह 80% तो मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कल तो मेरी वाकई में बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत थी कि हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, फैमिली डॉक्टर मतलब हमारी फैमिली में जो हमारे डॉक्टर हैं जिनके पास शुरू से लेकर मैं अब तक जाती रही हूँ, उनका भी इंतज़ार ना कर सके, तबीयत इतनी ख़राब होगी कि मुझे फौरी फौरी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। फिर वहाँ पे गई, वहाँ पे मुझे ड्रिप वगैरह इंजेक्शन वगैरह लगे, मेडिसिन वगैरह मैंने खाई, तो मुझे वहाँ पे फ़र्क पड़ा पर इतना नहीं। फिर शाम को हमारे डॉक्टर आए क्लिनिक, ठीक है, तो फिर उनका क्लिनिक खुला, फिर हम लोग वहाँ पे गए, फिर वहाँ से मेडिसिन ली, फिर वहाँ से मेडिसिन खाई, और फिर उन्होंने अपना इलाज किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बहुत ही बेहतर हूँ, और मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग का एंड किया जाए, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं दिखा रही हूँ ये सारी वो हैं जो मेरी ज़िंदगी पे हैं, क्योंकि ब्लॉग बनाने का मकसद ये होता है कि जो जो आपकी ज़िंदगी में हो रहा होता है वो आपने दिखाना होता है। ओह माय गॉड, हमारी आयशा इमोशनल हो गई है। नहीं, इमोशनल नहीं, मैं होती तरीम है, मैं अपनी ज़िंदगी के हर पार्ट को आपके साथ शेयर करती हूँ, तो ये वाला पार्ट भी मेरा शेयर करना बनता था। उस टाइम मैं तो ब्लॉग बनाने की कंडीशन में नहीं थी, सिस्टर ने जो एक आधी वीडियो बना दी, ठीक हूँ। वीकनेस है, वो वीकनेस आपको पता है फिर वॉइस टाइप से ख़त्म होती है, और बुखार भी बहुत बहुत ही माइनर सा बुखार है, अब तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। उसके साथ साथ मुझे है शादी का कार्ड, तो ये देख सकते हैं आप लोग ऊपर क्या लिखा हुआ है, नज़र आ रहा है, आयशा सरदार, आयशा सरदार। तो मुझे आ गया है शादी का कार्ड क्या, तो इंशाल्लाह अब शादी के ब्लॉग भी आएंगे, उससे पहले मैं थोड़ी सी अपनी एनर्जी लेवल जो है वो सही करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा मैं खाऊँगी पीऊँगी, और लेट लेट के सुबह की लेट लेट के कमर में दर्द हो गई है, पर ये था कि मैं उठती हूँ ना तो सर में ना चक्कर आ रही थी, तो इसलिए मैं सुबह की फिर लेटी हुई थी, मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट करके फिर एक ही बार उठूँगी, और मेरी कंडीशन से तो मैं लग नहीं रही खाना बनता है। तो मैं अपने ब्लॉग खंड के निकले आई हूँ, उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात करूँगी। एक यूट्यूब चैनल है, एक छोटा सा बच्चा है 12 से 13 साल का, 12-13 साल का लगाने, वो बहुत ही एफर्ट कर रहा है अपने चैनल को चलाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा है वो अपने चैनल को चलाने के लिए, और उसके यूट्यूब चैनल का नाम है हसाम। क्या नाम है उसका पूरा तस्वीर? हसाम क्राफ्ट, हाँ हसाम क्राफ्ट, ठीक है, आप अगर लिखेंगे तो वो आ जाएगा। वो 12 से 13 साल का है,
और मैंने खुद भी इसकी वीडियो देखी है और वो बहुत ही अच्छी वीडियोस बनाता है। कि ये इसकी आईडी है। पर्सनली इस बच्चे को मैं बिल्कुल भी नहीं जानती। इसका बच्चे का मेरा मैसेज आया था टिकटॉक पे एक दो बार कि आप ही मेरी जो है थोड़ी सी मेरी मुझे प्रमोट करिए, मुझे उसकी आईडी मैंने आप लोगों को दिखा दी है और आप लोग उसको सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, वो बच्चा है, वो मेहनत कर रहा है और आप लोगों ने ही उसको सपोर्ट करना है। बोलो यार, मेहमान आए थे और कौन आया था? क्यों तुम अपनी दादो के घर गई थी? मैं गाँव थी। हाँ तुम गाँव थी, गाँव के घर है। हाँ गाँव थी, तो उसको भी सपोर्ट करें और मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और पर्सनली बस बच्चे को बिल्कुल नहीं जानती। टिकटॉक पे इसका एक मुझे कमेंट आया था कि आप ही मुझे सपोर्ट करें, मेरी मुझे यूट्यूब पे मेरे नाम की वीडियो बना दे। तो मैंने आज बच्चे आपके नाम की वीडियो बना दी, बकायदा आपकी आईडी भी दिखा दी। तो उम्मीद करते हैं आपको ब्लॉग जो है वो पसंद कहाँ से आना था मेरे तो मेरी। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और मेरे अलावा जितने भी मरीज़ हैं सबके लिए दुआएं करें। जब मैं हॉस्पिटल में गई थी, यकीन करें उतना इंसान बीमार नहीं था जितना इंसान दूसरों को देख के बीमार हुए। तो इतने लोग आए हुए थे और कुछ औरतें बेहोश हुई हुई थी, कुछ कैसी थी अस्तकबुल्ला। तो मौसम भी कुछ ऐसा है, तो दुआ करें अल्लाह सबको सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी लंबी अता फरमाए, मुझे भी और सबको भी। तो आपके माँ बाप को भी सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी लंबी अता फरमाए, मेरे माँ बाप को भी सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी लंबी अता फरमाए। मेरे सर में वो मेरे दर्द। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।